क्या बांग्लादेश के रास्ते पर है ब्रिटेन? क्यों धधक रहा है, सुलग रहा है द ग्रेट ब्रिटेन? और एक अफवाह ने क्या ब्रिटेन को जलाकर रख दिया है? इन्हीं सवालों के साथ नमस्कार, मैं ललित। तो पूरी दुनिया हिंसा और उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। बांग्लादेश के जो हाल हैं वो चौक चौराहों पर चर्चा का मसला बना हुआ है। इन सब के बीच ब्रिटेन, जो किसी दौर में खुद को ग्रेट ब्रिटेन कहलवाता था, वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में एक अफवाह ने, या कहें सोची समझी अफवाह ने, पूरे ब्रिटेन को सुलगा कर सा दिया है। पहले अपडेट जान लीजिए। लंदन में भारत के उच्चायोग ने ब्रिटेन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत से आने वाले पर्यटकों को ब्रिटेन में यात्रा करते वक्त सतर्क रहना है, सावधानी बरतना है। स्थानीय समाचारों और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी की गई सलाह का पालन करना है और उन इलाकों में जाने से बचना है जहां विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। यानी कुल जमा हालात अभी भी काबू में नहीं कहे जा सकते। ये चिंगारी निकली कहां से? ब्रिटेन के साउथ पोर्ट में 29 जुलाई को एक फंक्शन हुआ। मशहूर सिंगर हैं टेलर स्विफ्ट, उनकी थीम वाली एक डांस पार्टी थी। 3 मासूम बच्चियों की मौत के बाद कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इस हमले में 8 दूसरे बच्चे और 2 वयस्क भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद इंटरनेट पर एक अफवाह फैली कि चाकू मारने वाला शख्स है वो राजनीतिक शरण मांगने वाला मुस्लिम था जो बोट के जरिए ब्रिटेन आया था। अफवाह ने आग में घी का काम किया, जबकि हकीकत यह है कि जो आरोपी है 17 साल का एक्सेल रुदाकुबाना, वो ब्रिटेन का ही मूल निवासी है, वहीं का वो रहने वाला है। इस अफवाह की वजह से राद्रम में मास्क पहने अप्रवासी विरोधियों के झुंड ने उस होटल पर हमला कर दिया। एक बात और कि इस रिपोर्ट में बार बार ये शब्द आएगा अप्रवासी, इसे आसान शब्दों में समझ लीजिए कि जो ब्रिटेन का मूल निवासी ना हो। खैर, वापस आते हैं। जहां राजनीतिक शरण मांगने वाले लोगों को रखा जाता है उस होटल पर हमला हुआ, ये मैंने आपको बताया। धीरे धीरे ये आग लिवरपूल, हब, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल तक पहुंच गई। कई धुर दक्षिणपंथी समूह इस हिंसा में शामिल हैं। इस तरह की बात भी सामने आई है। एक और नाम है वो चर्चा में है, वो है टॉमी रॉबिन्सन, नाम से फेमस स्टीफन येक्सले लेनन का। रॉबिन्सन इंग्लिश डिफेंस लीग के पूर्व नेता रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए कट्टर दक्षिणपंथी आंदोलन को वो बढ़ाते रहे हैं। पुलिस ये दावा कर रही है कि प्रदर्शनों में इंग्लिश डिफेंस लीग भी शामिल थी। इंग्लिश डिफेंस लीग कट्टर दक्षिणपंथी समूह है और इसकी स्थापना 2009 के आसपास हुई थी। ये समूह हिंसक प्रदर्शन, इस्लाम और अप्रवासी विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। इस पर यह आरोप है कि बच्चियों की मौत के बहाने इसने ही हिंसा भड़काई है। ब्रिटेन में करीब एक दशक के बाद इस तरह के हालात बने हैं। शनिवार को हिंसक प्रदर्शन के दौरान लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल और बेलफास्ट में बोतलें फेंकी गईं। कई जगहों पर जो हमले हुए उसमें पुलिस वाले तक जख्मी हुए हैं। कई जगह ऐसे भी हालात बने कि प्रदर्शन करने वाले 2 अलग अलग धड़े एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अप्रवासियों का समर्थन करने वाले नारे लगा रहे हैं, यहां शरणार्थियों का स्वागत है, नाजी गंदगियां हमारी सड़कों से चले जाओ। दूसरी तरफ के नारे हैं रूल ब्रिटानिया, इंग्लैंड टिल आई डाई, वी वांट आवर कंट्री बैक। ये लोग अप्रवासियों के खिलाफ हैं। इस हिंसा में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्रियर स्टार्मर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस को फ्री हैंड देते हुए उन्होंने सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। स्टार्मर ने हिंसक प्रदर्शनों की निंदा करते हुए कहा कि इस देश में लोगों को सुरक्षित रहने का हक है। इसके बावजूद हमने ऐसा देखा कि मुस्लिम समुदायों पर निशाना बनाया गया है, मस्जिदों पर हमले हुए हैं, दूसरे अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाया गया है, सड़कों पर नाजी सैल्यूट किया गया है, पुलिस पर हमले हुए हैं, नस्लीय नारों के साथ हिंसा भी की गई। इसीलिए मुझे इसे धुर दक्षिणपंथी की बेरहम हिंसा कहने में कोई हिचक नहीं। भले ही एक अफवाह ने ब्रिटेन को सुलगा दिया हो, लेकिन जमीनी सच है अप्रवासियों को, यानी जो मूल निवासी नहीं है, उनको लेकर धीरे धीरे बढ़ता हुआ आक्रोश जो अब हिंसा की शक्ल ले चुका है। अलग अलग रिपोर्ट्स का दावा है कि अप्रवासी मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, हेट क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। अब आंकड़ों की नजर से देखेंगे तो ब्रिटेन में जो अप्रवासियों की आबादी है वो एक बड़ा सियासी मुद्दा है। ब्रिटेन में रहने वाले लोगों का मानना है कि ये जो मूल निवासी नहीं है, उनकी बढ़ती संख्या के चलते हाउसिंग, एजुकेशन, सरकार की तरफ से जो हेल्थ सर्विस लाई जा रही है उस पर बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ है। इसी के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि जो नौकरियां हैं उन पर भी अप्रवासियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है।
इसके बीच ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में बढ़ते दबाव और महंगाई की वजह से अप्रवासियों के खिलाफ गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता रहा। 2016 में यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए शुरू की गए ब्रेग्जिट पर मतदान के दौरान यूरोपीय देशों से अप्रवासियों की घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा था। अप्रवासियों के ब्रिटेन आने से जुड़े नियमों में कुछ सख्ती की गई, इसके चलते अभी हाल फिलहाल थोड़ी संख्या घटी है। मई के आंकड़ों की बात कर ली जाए 2022 में कुल अप्रवासियों की संख्या 2022 की 7,64,000 थी, लेकिन 2023 में ये घटकर 6,85,000 हो गई है। पिछले साल ब्रिटेन में सबसे ज्यादा अप्रवासी भारत से पहुंचे और इनकी कुल संख्या 20% है। इसके बाद नाइजीरिया का नंबर आता है और उसके बाद जो है चाइना का नंबर आता है। ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि छात्रों की संख्या बढ़ने, केयर सेक्टर में नौकरी के लिए आने वाले लोगों की वजह से ये संख्या बढ़ी है। इस साल जनवरी में पूर्व प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने एक नया नियम शुरू किया। इसके मुताबिक अप्रवासियों की संख्या घटाकर 3,00,000 पर लेकर आनी थी। ब्रिटेन में सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी अप्रवासियों के खिलाफ ज्यादा सख्त रही है, जबकि जो लेबर पार्टी है वो थोड़ा नरम रुख इन अप्रवासियों के प्रति अपनाती आई है। अब इससे एक ताजा घटनाक्रम और जुड़ता है। हैरत की बात यह है कि इससे सुलगते ब्रिटेन में शेख हसीना शरण मांग रही हैं। भले ही मामला अभी होल्ड पर कर दिया गया हो, ब्रिटेन की तरफ से उन्हें अभी फिलहाल मनाही कर दी गई हो, अमेरिका की तरफ से तो खैर वीजा ही रद्द कर दिया गया, लेकिन इसी सुलगते हुए ब्रिटेन में शरण मांग रही हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश का घटनाक्रम आप पूरा जानते हैं, वहां किस तरीके की स्थितियां बनी हैं। तो कुल जमा स्थितियां ये कि अप्रवासियों का जो मामला है उसके प्रति जो आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता रहा, उसने ब्रिटेन को सुलगा दिया। इतना सुलगा दिया कि प्रदर्शन करने वाले दोनों धड़े, जो प्रवासियों के सपोर्ट में रहते हैं, शरणार्थियों के सपोर्ट में रहते हैं और जो उनके खिलाफ रहते हैं, वो आमने सामने आ गए। इस तरह की स्थितियां द ग्रेट ब्रिटेन कहलाने वाले ब्रिटेन में इस वक्त बनी हुई हैं।